नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों आज एक बार फिर आ गया हूं मैं मॉडर्न इंजीनियरिंग वर्क्स मंदसौर में, जहां पे हम भाई साहब से बात करेंगे। और हमारे पीछे जो आप ये मशीन खड़ी देख रहे हैं, इस मशीन का क्या नाम है, इस मशीन को किस जगह इस्तेमाल किया जाता है और आपकी ये मशीन किस प्रकार से काम आ सकती है, तो इसके बारे में इस डिटेल से इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सर नमस्कार जी। नमस्ते सर, सबसे पहले अपना परिचय बता दो। बिल्कुल, हमारी कंपनी का नाम मॉडर्न इंजीनियरिंग है, जो कि कैलाश मार्ग पे स्थित है मंदसौर शहर में। कई सालों से हम लोग कृषि यंत्रों का काम कर रहे हैं। अभी हमने ये नई मशीन बनाई है। ठीक है, ये बिजली का पोल लगाने के काम आती है, इसको पोल इरिगेशन मशीन बोलते हैं। सिर्फ बिजली के पोल में ही काम आएगी, हमारे किसान भाइयों के लिए और भी किसी काम के लिए भी काम आती है ये मशीन। इसमें आप पौधे लगाने के लिए भी होल कर सकते हैं या फिर बाउंड्री वॉल के लिए। इसका ड्रिल बिट चेंज हो जाता है, छोटा बड़ा जैसा चाहे वैसा हो जाता है। जैसे ये मॉडल दिख रहा है, ये काफ़ी बड़ा मॉडल है, इसमें और भी कुछ मॉडल आते हैं? छोटे मॉडल बनाते हैं हम लोग, जो किसान भाइयों काम में आते हैं, कि वो कम कीमत से स्टार्ट होते हैं, आसानी से लिप्टों से भी अटैच हो जाता है, वो सिस्टम भी हमारे पास अवेलेबल है। और ये मशीन अगर आपको बनवाना चाहते हैं तो ये आपको ट्रैक्टर कंपनी भेजना पड़ेगा, उसका ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग ही ये मशीन बनाई जाती है। तो सर बनाने के बारे में तो आपने बात कर ली कि आपको यहाँ लाके फिर ट्रैक्टर देंगे तब आप बना के देंगे। अब बात की जाए इसके फीचर वाइज की, किस प्रकार की इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ करी, कौन सा मटेरियल इसमें यूज़ करा है, और ये सारा MS ग्रेड का मटेरियल होता है, हैवी स्ट्रक्चर बनाया जाता है, क्योंकि ये करीब करीब 2 टन कैपेसिटी के हिसाब से चलती है मशीन। अच्छा, 2 टन वजन उठाएगा ट्रैक्टर के पास से, हुक से इसको उठाएंगे तो 2 टन उठाता है, बाहर से उठाएंगे फिर 1 टन होता है, फिर आगे और चले जाएंगे तीसरी बूम में, इसमें एक्स्ट्रा दी हुई है वो करीब 500 kg या 600 kg के आसपास उठाती है। ठीक है, और इसकी हाइट करीब करीब 9 मीटर के आसपास चली जाती है ऊपर। अगर ऊंचाई की बात करें 9 मीटर ऊंचाई तक कुछ चीज उठा के ऊपर ले जाएगा जी। अब अगर बात की जाए इस ओगर की, तो आपने काफ़ी हेवी सिस्टम के साथ इसको दे रखा, तो अब इसके गेयर बक्से से शुरुआत करें और बिट के बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, इसका गेयर बॉक्स MS बॉडी में बनाया हुआ है, जो कि फटने की कभी शिकायत नहीं आती है, MS कास्टिंग बॉडी होती है। उसके बाद ये ओगर दिया हुआ है हमने, इसको 8 mm की थिकनेस में दिया है, और इसके अंदर डायमंड बिट्स लगे होते हैं नीचे, जो पत्थर को भी आसानी से तोड़ के बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, कितने फीट तक खड्डा करेगा? अगर 7 फुट तक चला जाता है, और मिनिमम जो भी आप चाहें 3 फुट 4 फुट तक के ड्रिल भी आते हैं। और इसकी चौड़ाई में जैसे कि ये 12 इंच का है, तो इसको 16 इंच तक हम यूज़ कर सकते हैं इस गेयर बॉक्स को। उसके बाद अगर आप 2 फुट का इसकी चौड़ाई पे जाएंगे तो गेयर बॉक्स चेंज करना पड़ेगा हमको, वो अलग से मशीन बनती है जी। जी, हैवी ड्यूटी बनेगा वो। और ये पीछे कुछ दे रखे, ये क्या चीज़ दे रखी है आपने? ये अभी इसमें हमने स्पेशली बनाया है, कई मशीनों में नहीं होता है, ये वाटर टैंक है। ठीक है, ये मशीनें अधिकतर क्या है कि जंगल एरियों में चलती है, जहाँ पर पानी की सप्लाई नहीं होती है, तो उनको इसमें पानी भर सकते हैं। ये एक तो पानी मिल जाता है, दूसरा इसमें वेट हो जाता है, तो आगे से वेट उठाने के लिए ट्रैक्टर फ्री नहीं होता है, तो ये वेट बॉक्स का काम भी करता है। बात की जाए इस पोल इरिगेशन मशीन की, तो इसको चलाने के लिए कितने HP का ट्रैक्टर होना चाहिए कम से कम? कम से कम 45 HP से 60 HP तक हम लोग इसको बनाते हैं। और इसको बनाने के लिए स्पेशली एक बात होती है कि ट्रैक्टर में रिवर्स PTO होना जरूरी है, क्योंकि ओगर अगर काम कर रहा है और ज़मीन में जाने के बाद किसी पत्थर के कारण किसी भी कारण से वो फंस जाता है, तो उसको रिवर्स घुमाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो वो बाहर नहीं निकल पाता, इसलिए रिवर्स PTO होना। ये बात तो आपने बिल्कुल सही बताई, किसान भाइयों के दिमाग में कन्फ्यूजन रह जाता है कि हम रिवर्स PTO है नहीं, ट्रैक्टर पर बनवाने निकल जाए तो फिर वो निकलता नहीं है, JCB से आपको निकलाना पड़ेगा। अगर बीट अंदर रह गया तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो हाथ से चलाते हैं और उनमें भी बहुत सी बार दिक्कत आ जाती है, बीट अंदर रह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं जिसको उठा के कई मिनट तक, कई घंटों तक, कई आधे घंटे तक उसको सेट करना होता है, तो ट्रैक्टर के टायरों पर लोड ना पड़े, इसलिए ये जैक दिए हुए हैं ताकि इसको एक जगह मशीन स्थायी हो जाती है और सारा लोड इसके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है। बिल्कुल, ये जैक इसी काम के लिए दी गए जी। सर बाकी चीज़ों की जानकारी तो आपने बड़ी डिटेल से दी, अब अगर बात की जाए कि इस ट्रैक्टर में जैसे पावर स्टीयरिंग है जी, तो ट्रैक्टर में पावर स्टीयरिंग होनी जरूरी है? पावर स्टीयरिंग होना जरूरी है, क्योंकि सादे स्टीयरिंग पर नहीं चलता है, इसमें ऑलरेडी बहुत सारा वेट होता है, और जब ये वेट को उठाता है तो उस समय ये कटिंग बहुत मुश्किल हो जाती है, तो इसमें पावर स्टीयरिंग होना बहुत जरूरी है। चलो ये बात हो गई सर पावर स्टीयरिंग के बारे में। अब अगर बात की जाए जैसे ट्रैक्टर आपने तो उसको चारों ओर से पैक कर रखा है जी, अब जैसे कभी ट्रैक्टर के इंजन में कोई दिक्कत आती है, फिर कुछ काम करना है ट्रैक्टर में, तो फिर कैसे क्या करेगा किसान भाई, कैसे कर पाएगा? ऑलरेडी तो इसमें ट्रैक्टर नए ही होते हैं, और कभी ज़रूरत पड़ जाती है इसमें वर्क करने की, तो पूरा मशीन फोल्डेबल है, यहाँ से ये हिस्सा पूरा आगे की ओर निकल जाता है, बाकी हिस्सा पीछे की ओर निकल जाता है। अगर इसको अपन चेंज करना चाहें, किसी दूसरे ट्रैक्टर पर चढ़ाना चाहें, तब भी इसमें सिर्फ फाउंडेशन बोल्ट वगैरह चेंज होते हैं, ठीक है, चेंज होते हैं, और ये दूसरे ट्रैक्टर पर फिट हो जाती है मशीन। ठीक है, ये हमारी कंपनी की विशेषता है कि यहाँ से ड्राइवर का जो जाने वाला रास्ता है, ठीक है, आराम, कोई कंपनी होती है जो वो डिस्ट्रीब्यूटर को थोड़ा आगे की तरफ लगा देती है, तो उधर से ड्राइवर का आना जाना सब कुछ बंद हो जाता है,
इसमें आसानी से उधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, ये बिल्कुल हमने इसमें सुविधा दी हुई है। दूसरी चीज़ ये है कि इसके सारे चार लीवर आगे के हैं और पीछे के लीवर इसमें पीछे ही दिया है हमने, ये इसमें विशेषता रखी हमने जी। मशीन के बारे में तो आपने डिटेल से जानकारी दे दी, अब अगर बात की जाए कोई किसान भाई वीडियो देख रहा है इस मशीन को बनवाना चाहता है तो किस तरह से बना पाएगा? अगर आप इस मशीन को बनवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ट्रैक्टर कंपनी में देना पड़ेगा, यहाँ भेजना पड़ेगा, उस ट्रैक्टर के हिसाब से ही फाउंडेशन बनाया जाएगा, उसके ऊपर फिर मशीन बनाई जाती है। तो सबसे पहली प्रोसेस होती है ट्रैक्टर को कंपनी में पहुँचाने की। ठीक है, तो यहाँ आएगा तभी बन पाएगा? यहाँ आएगा तभी बन पाएगा, क्योंकि इसमें फिक्सिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हैवी वेट उठाने के लिए होता है तो इसको कंपनी भेजना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मशीन कैसी लगी ये बात आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर इसको आपको अपने ट्रैक्टर पर बनवाना तो आ जाइए मध्य प्रदेश के मंदसौर में मोड़ में और इस मशीन को अपने लिए बनवा लीजिए। और बाकी अगर और भी कोई डिटेल से जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।